मैं ये समझ रहा था कि पहले इनको बैटिंग करनी चाहिए कि लंबे रन्स करें, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग इतनी अच्छी तो है नहीं। बात ये है कि मैच फिर बारिश की नज़र हुआ, 230 रन तो किए, लेकिन जब स्टार्ट हुआ मैच तो 23 ओवर में 145 करने थे और इंडिया के कोई विकेट नहीं गिरी, 147 उन्होंने रन्स किए। सलामुलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। 230 रन किए नेपाल की टीम ने, जो कि इंडिया जैसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ बहुत अच्छे थे और बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं टॉस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं समझ आई कि रोहित शर्मा या उनका जो कोचिंग स्टाफ है राहुल द्रविड़, उनकी क्या प्लानिंग थी कि हम टॉस जीत के पहले फील्डिंग करें, क्या बारिश उनकी नज़र में थी, क्या था? लेकिन मैं ये समझ रहा था कि इनको टॉस जीत के बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल क्लैप्स हो गई थी। जो ऊपर के तीन लड़के थे, जो बैट्समैन थे, वो परफॉर्म नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बावजूद मैं ये समझ रहा था कि पहले इनको बैटिंग करनी चाहिए कि लंबे रन्स करें, क्योंकि नेपाल की बॉलिंग इतनी अच्छी तो है नहीं, तो उसमें अपनी बैटिंग की फॉर्म जो है वो वापस लेके आए। तो खैर, उनका अपना एक फैसला था, लेकिन बात ये है कि मैच फिर बारिश की नज़र हुआ, 230 रन तो किए, लेकिन जब स्टार्ट हुआ मैच तो 23 ओवर में 145 करने थे और इंडिया के कोई विकेट नहीं गिरी, 147 उन्होंने रन्स किए, और वही रोहित शर्मा 74 या 73 किए उन्होंने, फिर शुभमन गिल 67 किए। तो अगर खैर 230 भी करने होते तो मेरे हिसाब से दो तीन विकेट्स पे इनको कर लेने चाहिए थे इंडिया को, नेपाल की बॉलिंग जो इतनी अच्छी नहीं है। ये तो मैंने इस मैच की बात की। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आज आपने देखा कि जी वो इंडिया के लोग आए हैं जी, शुक्ला साहब आए हैं और बिनी साहब जो है वो आए हैं जी। हमें पीसीबी ने दावत दी है, ज़रूर दी है भाई, देनी भी चाहिए पीसीबी को दावत। आए हैं, वो मैच भी देखेंगे या नहीं देखेंगे, खैर मीटिंग है, किस चीज़ की मीटिंग है ये तो अब कल पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली बात ये है, एक तो जब नजम सेठी साहब ने ये जो श्रीलंका में जो बारिशों की वजह से ये जो जय शाह है इसको जब बोला था कि भाई ये जो जिस टाइम पे ये एशिया कप के मैचेस आप श्रीलंका में करवाना चाह रहे हो, ये जो है बारिश की नज़र हो सकते हैं, उस टाइम इनको तकलीफ हुई भी थी, नहीं जी बस हाइब्रिड और श्रीलंका में होने चाहिए। नजम सेठी साहब ने बोला भी कि यूएई में करा लो, नहीं जी यहीं कराओ। अब पूरा टूर्नामेंट इस जय शाह की वजह से खराब जो है वो होने के चांसेस हो रहे हैं। उसकी भी मीटिंग होगी कि कहाँ पे करें, श्रीलंका में कौन सा ऐसा शहर है जहाँ पे ये मैचेस शिफ्ट करवाए जाएं, वहाँ पे बारिश ना हो, पाकिस्तान में शिफ्ट करना है टूर्नामेंट या यूएई की, जो भी इनका सिलसिला होगा उस पर बात अभी इनकी होगी। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है, ये जो बीसीसीआई के लोग जो आए हैं, क्या अब ये इंडियन गवर्नमेंट को अब कोई तकलीफ नहीं हुई? आप सिक्योरिटी वोटी सब कुछ ठीक है, ये आ गए हैं जी पाकिस्तान है, अब कोई मसला नहीं है। जब पाकिस्तान की टीम से खेलने के लिए बायलेटरल सीरीज हो या एशिया कप हो, इंडियन टीम पाकिस्तान में आने में इनको तकलीफ होती है, वहाँ फौरन बीसीसीआई हाथ खड़े कर देता है, वहाँ फौरन इंडियन गवर्नमेंट कहती है नहीं जी सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। तो अभी जो ये लोग आए ये कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं? क्या कोई नाइजेरिया वाइजेरिया से आए हैं, कहाँ से आए हैं, किसी कोई और कंट्री से आए हैं? इंडिया से ही आए हैं ना, तो इंडिया से आए हैं, क्या उनको सिक्योरिटी का बड़ा मसला है? वो तो बड़े हशाश बशाश घूम रहे, उसकी वजह ये है, देखिए वो अपने मतलब से आए हैं, वो सिर्फ मतलब से आए हैं। मतलब क्या है? वर्ल्ड कप होना है आगे चल के इंडिया में, पाकिस्तान के से थोड़े से हम अपने ताल्लुकात जो थोड़े से बेहतर करते हैं, ठीक है वहाँ पे मैचेस भी हैं, सूरत हाल भी 19-20 हो सकती है, हालात सही नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान के मैचेस हैं, ठीक है उसके लिए अपना थोड़ा सा वो बेहतर एक रिलेशन बनाने की कोशिश करने के लिए ये यहाँ पे आ गए हैं। वरना वो कैसे आ सकते हैं, जब पाकिस्तान की बकौल बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट कहती है जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, हम इस वजह से नहीं खेल सकते, और उनके जो क्रिकेटर टीवी पे बैठ बैठ के बातें करते हैं, तो फिर इनको भी मुश्किल होनी चाहिए थी। मतलब अगर ये तीन चार लोग आ सकते हैं तो क्या पाकिस्तान टीम यानी इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती? क्या इंडियन टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते? क्या जो एशिया कप के मैचेस हो रहे हैं, क्या श्रीलंकन टीम को कोई प्रॉब्लम हुई? क्या बांग्लादेश टीम को कोई प्रॉब्लम हुई? क्या अफगानिस्तान की टीम को कोई प्रॉब्लम हुई? या उनके साथ जो कोचिंग स्टाफ है उनको कोई प्रॉब्लम हुई? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश है, सब सेट है, सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त है, टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान का मौसम इतना ज़बरदस्त है, यहाँ पे कोई भी मैच बारिश की नज़र नहीं होगा।
और जितने भी श्रीलंका के मैच है वो सारे बारिश की नजर हो रहे हैं। पाकिस्तान की टीम ट्रेवल कर रही, कभी श्रीलंका जा रही है, कभी पाकिस्तान आ रही, कभी श्रीलंका जा रही, कभी पाकिस्तान जा रही है। उसके बाद या इंडियन टीम हो, कोई भी टीम हो, वो तंग हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। प्लेयर्स भी फेडअप हो जाते हैं इन चीज़ों से कि भाई पूरा पूरा मैच हो एक तरीके से ही, क्या बार बार बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो ये लोग सिर्फ अपने मतलब से आए हैं कि हमारा जो इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने आना है, उस दौरान तक हमारे रिलेशन बड़े वो रहे हैं। हर दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की है कि हम दोनों के रिलेशन अच्छे हों। हर दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है कि भाई ठीक है, हम आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। लेकिन ये टोटल मतलबी लोग हैं। ये जब इंडिया में वर्ल्ड कप हो जाएगा ना ख़त्म, फिर उसके बाद देखना इनकी शक्लें कैसे बाहर आती हैं और कैसे रूप अपने रंग बदलते हैं। वो जिसको कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। उसके बाद जब 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी है ना, उसमें देखना ये क्या ड्रामा लगाएंगे, क्योंकि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान आना है, क्योंकि वो ICC का टूर्नामेंट है। उसमें ये देखना क्या ड्रामे लगाएंगे। BCCI कह रही परमिशन नहीं मिल रही, गवर्नमेंट इंडिया की जो है परमिशन नहीं मिल रही, ये वहाँ पे इन्होंने एक अपना ड्रामा लगाना है। ये इस किस्म के लोग हैं। मेरा तो सवाल है ना इन लोगों से कि भाई ये 3-4 लोग कैसे आ गए हैं, पाकिस्तान में ही आए हैं ना भाई, या किसी और कंट्री में जाके आपस में मिल रहे हैं, पाकिस्तान में मिल रहे हैं। तो बात ये है कि जहाँ पे इनका अपना मकसद है, जहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी, एक तो घमंड इनके अंदर इतना ज़्यादा है, पता नहीं पैसे की वजह से है या क्या वजह है, इतना घमंड है इनके अंदर, ये अपने मर्जी से सारे काम करते हैं। और ये मत भूलें कि भाई हमारे BCP हमारे लोगों को किसी चीज़ का पता नहीं, हमारे लोगों को सब कुछ पता है कौन ड्रामे करता है, लेकिन फिर भी हम रिलेशन बेहतर करने की जो है वो कोशिश करते हैं। अब मेरे ख्याल में खुद ही शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, या लोग जो इनको हमें गलत कहते थे उनको सबको पता चल गया कि वैसे तो कहते हैं कि प्रॉब्लम है सिक्योरिटी को, और अपने चक्कर में क्या बोलते हैं वहाँ पे पहुँच के, और जय शाह को देखो वो साइड पे छुप के बैठा हुआ है, जिसकी वजह से ये सारा एशिया कप बर्बाद हुआ है, जिसकी वजह से ये हाइब्रिड का मॉडल अपनाया गया। मीटिंग में बैठ के सारी बात हुई, उसके बाद ड्रामेबाजियां करता है और आता ही नहीं है, बुलाया भी आता ही नहीं है। तो ये तो इस किस्म के लोग हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।